हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुछ कसौटियों पर चर्चा की। आज हम उन्हीं का उपयोग कर त्रिभुज के कुछ गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पर चर्चा करेंगे, विशेषकर ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलीस ट्रायंगल कहते हैं। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करते हैं, जिसमें भुजा एक्स वाई और भुजा एक्स जेड 6 सेंटीमीटर हो। दोस्तों, क्या इस त्रिभुज के कोणों के बारे में हम कुछ बता सकते हैं? एक चांदे की सहायता से हम इस त्रिभुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कोण y और कोण z का माप बराबर है और यह दोनों कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। वीडियो पॉज करके आप यह क्रियाकलाप अन्य समद्विबाहु त्रिभुजों के लिए दोहरा सकते हैं। और अब आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि प्रत्येक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख या कह लें सामने वाले कोण बराबर हैं। इसे हम प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है, इसे कई विधियों से सिद्ध किया जा सकता है। चलिए यहाँ कथन की सहायता से एक और आकृति का निर्माण करते हैं। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा PQ बराबर है भुजा PR के। यह हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि कोण Q और कोण R बराबर हैं। चलिए इसकी उपपत्ति देखते हैं। कोण P का एक समद्विभाजक खींचिए जो भुजा QR को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता हो। अब त्रिभुज QPT और RPT को देखिए। हमें दिया है कि भुजा QP और भुजा RP बराबर हैं। रचना से PT कोण QPR का समद्विभाजक है, इसलिए कोण QPT और कोण RPT बराबर होंगे और भुजा PT इन दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए। अब हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम है। हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण Q और कोण R बराबर होंगे। दोस्तों, इन दोनों त्रिभुजों को हम कुछ और विधियों से भी सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम भुजा QR का मध्य बिंदु T लें और एक रेखा PT खींचें, तो अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख सकते हैं कि यह तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसलिए यह दोनों त्रिभुज SSS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण Q और कोण R भी बराबर होंगे। क्या इस कथन का विलोम भी सत्य होगा? यानी यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी? चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड लेते हैं जिसमें कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई बराबर हो, तो अब हमें सिद्ध करना है कि इनकी सम्मुख भुजाएं यानी एक्स वाई और एक्स जेड भी बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ कोण वाई एक्स जेड का समद्विभाजक खींचिए जो भुजा वाई जेड को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता हो। अब त्रिभुज XYO और त्रिभुज XZO को देखिए।
हमें दिया है कि यह दोनों कोण बराबर हैं। यहाँ हम कोण XYZ को XYO और कोण XZY को XZO भी लिख सकते हैं, इसलिए यह भी बराबर होंगे। और हमने XO की रचना की जो कोण YXZ का समद्विभाजक है, इसलिए कोण YXO और कोण ZXO बराबर होंगे। भुजा XO उभयनिष्ठ भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए। अब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज AAS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम हैं। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए भुजा XY और भुजा XZ बराबर होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय का विलोम भी सत्य है, यानी किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आप इसे किसी और विधि से भी सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज के कुछ गुणधर्म पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।